رب العالمین کی نعمتیں حد و حساب سے زیادہ ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، ساتوں آسمان ہیں، زمینیں ہیں، تحت السرا ہے، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انبیاء ہیں، بیت اللہ ہے، روضہ رسول اللہ ہے، سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن کریم غیر مخلوق ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی صفت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سا نصیحت کی بات تمہارے پاس ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کریم کی تعلیمات سے زور شور سے پھیلانا، بہمت رہنا، یہ جہاد کبیر ہے۔ تو مالک کا یہ انعام عظیم ہے، اس کی ابتدا اللہ تعالی شانہ نے سورۃ فاتحہ سے کی۔ پھر جو بڑی سورتیں آتی ہیں انہیں سبع طوال کہتے ہیں، سات بڑی سورتیں، پھر ان کے بعد سورتیں آتی ہیں انہیں مئین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد سورتیں آتی ہیں انہیں مثانی کہتے ہیں، پھر سورۃ قاف سے لے کر آخر تک انہیں مفصلات کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ساتویں دن قرآن کریم کا اکثر ختم کرتے تھے، اس کے لیے لفظ ہے فمی بے شوق۔ فمی فاتحہ، میم مائدہ، یا یونس، با بنی اسرائیل، شین شعرا، واو والصافات، قاف، یہ سات منزلیں تھیں بڑی بڑی۔ اکثر حضرات صحابہ کرام سات دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ ایسی مبارک چیز ہے، اس کی جتنی کثرت کی جائے اس سے بڑا کائنات میں کوئی ذکر نہیں۔ اللہ کا قرب جتنا قرآن سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں عربی میں جب لکھا جاتا تھا اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے، پھر بغیر ضرورت نہیں ہے پنکھے بند کرنے، تو بغیر نقطوں کے بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے۔ پھر بعد میں تابعین کے زمانے میں نقطے ڈالے گئے، جب عجمی لوگ اسلام میں آئے پھر اعراب بھی ڈالے گئے، لیکن جو عربی کا ماہر ہوتا ہے وہ زبر زیر نہ بھی لگے ہوئے ہوں اسے پتہ لگ جاتا ہے یہاں کیا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رکوع عین کا نشان لگا ہوتا ہے، یہ بھی سہولت کے لیے بعد میں لگائے گئے، عین کے اوپر بھی ہنسا ہوتا ہے، عین کے نیچے بھی ہنسا ہوتا ہے، عین کے پیٹ میں بھی ہنسا ہوتا ہے، عین کے اوپر اگر نو ہے تو مطلب یہ ہے یہ سورت کا نواں رکوع ہے، نیچے ہے پانچ اس کا مطلب ہے
या दस, इसका मतलब है सिपारे का ये दसवां रकू है। ऊपर सूरत का होता है और नीचे जो अदद होता है वो सिपारे के लिए होता है। दरमियान में जो ऐन के पेट में लिखा हो, इस रकू में इतनी आयतें हैं, ये रकुओं के अंदर ये लिखा जाता है। तो कुरान करीम पढ़ने में इब्तदा आदमी को औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से करनी चाहिए, क्योंकि वो कमीना हमारा दुश्मन है और ध्यान इधर उधर कर देता है और दिल में इस नूर को उतरने नहीं देता। तो तआवुज़ पढ़ना ये ज़बान की सफाई है, ज़बान मेरी पाक हो जाए और दिल मेरा पाक हो जाए। शैतान न तोप से डरता है न आइटम से, वो अल्लाह पाक के इस्तियाज़े से डरता है। तो आदमी शुरू ही में अल्लाह की अमान में आ जाए ताकि इस मर्दूद से बच जाए। इसलिए जब भी कुरान करीम पढ़ें, फरमाया ज़बान की तहारत हो जाए, दिल की तहारत, तो औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम या औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह मैं तेरी अमान और हिफाजत में आ गया शैतान मर्दूद से बचकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी इब्तदा है अल्लाह के नाम के साथ, 2584 दफ़ा कुरान में लफ्ज़ अल्लाह आया है, 2584 मरतब। इस अल्लाह के लफ्ज़ को कहा जाता है लफ्ज़ जलाला। बाकी अल्लाह के जितने नाम हैं वो सिफाती हैं और ये नाम अल्लाह का ज़ाती है। जब भी अल्लाह का लफ्ज़ आए तो अल्लाह जल्ला जलालुहु या अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु, इस किस्म के साथ लफ्ज़ पढ़ना चाहिए अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु। आगे रहमान और रहीम अल्लाह के सिफाती नाम हैं। रहमान के नीचे आप तर्जमे में देखते हैं शाह अब्दुल कादिर थे शाह वलीउल्लाह के बेटे, उन्हें 10 साल दिल्ली की जामा मस्जिद में इतकाफ़ किया और रोदे के साथ कुरान का उर्दू में तर्जमा उन्होंने पहले लिखा। हजरत शाह साहब ने तो फारसी में लिखा था, तो इन्होंने पूरी ग्रामर का ख्याल करके तर्जमा लिखा है। जितने भी मुतरजमीन बाद में आए हैं वो शाह साहब की राह पर चले, शानदार तर्जमा किया। तो उसमें माना करते हैं बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला। तो रहमान में बता दिया कि रहमत की कोई हद नहीं, अल्लाह की रहमत आम है, काफिर पर भी, मुसलमान पर भी, जिन्नात पर भी, दरंद और परंद पर भी। रहीम निहायत, निहायत के माने हद आ जाए। जन्नत में जाएंगे तो मुसलमान अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाएंगे, काफिर अल्लाह की रहमत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर अलहमद शरीफ में भी अर्रहमान अर्रहीम आ रहा है, बड़े फ़र्क हैं। एक दफ़ा हमने इसी जामा मस्जिद में अलहमद शरीफ को बयान किया, तकरीबन 6 महीने लग गए। तो फिर साथियों ने वो लिख लिया, तो अलहमद शरीफ की तफसीर छपी हुई है, उसका नाम है हादा बलाग़ुल्लिन्नास, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना लोगों को। उसमें 350-400 सफ़ात में अलहमदों की तशरीह है। किसी ने लेनी हो तो लेकर उसे आराम से पढ़े, क्योंकि ये 6 महीने के दर्स हैं अलहमद शरीफ पर। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब उतरी, फरमाया मक्का के पहाड़ों से चीखें आईं। अहले मक्का ने भी सुना, बुतों की चीखें निकली, हवाएं थम गई, सारी दुनिया में सन्नाटा छा गया, समंदर की लहरें रुक गई। जब ये उम्मत मुहम्मदिया पर
अल्लाह ने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतारी। हर नेक काम के शुरू में हम इसका एहतमाम करें कि इसको पढ़ना है। इसके 19 हर्फ हैं, जहन्नम के बड़े फरिश्ते भी 19 हैं। अल्लाह उनकी पकड़ से रब्बल आलमीन बचाएंगे। खाना खाया, सफ़र कर रहे हैं और दुआएं नहीं आती, तो कम अज़ कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो सारा सफ़र नौरानी बन जाएगा, सारा खाना भी नौरानी बन जाएगा। इसलिए नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह का आदमी पूरा एहतमाम करे। आगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अल्लाह की तारीफ़ शुरू हो रही है। शर्क है या गर्ब, शुमाल है या जनूब, फरिश्ते हैं या जिन, पहाड़ हैं या दरिया, रात है या दिन, पानी की सनसनाहट है या हवा का चलना, अंधेरा है या उजाला, कहकशाएँ हैं सिफली निदाम या इल्मी, सारा निदाम सब अल्लाह की हर वक्त तारीफ कर रहा है। यही मदरा बता दूँ थोड़ी सी बात, ज़्यादा लंबी बात नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि सारी बात का बयान करना बहुत वक्त लेता है, लेकिन जितनी बात हो आदमी समझने की कोशिश करे। कुरान करीम को सही पढ़ना इतना सही जैसे माना ना बदले, यह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कोई थोड़ा सा याद भी आदमी कर ले, आखिरी 10 सूरतें जब याद हो गई तो 20 कर ले, आखिरी सिपारा याद कर ले, सूरत यासीन याद कर ले, सूरत काहफ याद कर ले, सूरत वाकिया है, सूरत मुल्क याद कर ले, ताकि तहज्जुद में इसके लिए लंबी रकातें पढ़ना आसान हो जाए। मैंने कहा कि इतना सही पढ़ना कि माना ना बदले। अब देखो, हामिद अल्लाह की तारीफ करने वाला हा के साथ, और इसको दो आँखों वाली हा से पढ़ें, हामिद, इसके माने बंजर जमीन। हामिद, हामिद, हा हा में कितना फ़र्क हो गया, कितना फ़र्क आ गया। हम्द अल्लाह की तारीफ, दूसरी हा से पढ़े हम्द, कपड़े का फट जाना। दो आँखों वाली हा से पढ़ा हम्द, कपड़े का फट जाना। देखो हा हा में कितना फ़र्क आ गया, थोड़े से लफ्ज़ से फ़र्क है। रिशा, रिशा रस्सी को कहते हैं, रा के नीचे जेर दे दो, रा पर ज़बर दे दो, या पेश रशा रिश्वत को कहते हैं। अब देख लो रिशा रशा में कितना फ़र्क आ गया, कितना फ़र्क पैदा हो गया, थोड़े से लफ्ज़ से कितना। शिफा, अल्लाह आपको शिफा दे, शीन के नीचे जेर, सेहत दे। अगर इस पर पढ़े शफा, शीन पर ज़बर, जहन्नम का किनारा। शिफा शफा, अब माना देख लो कितना फ़र्क आ गया। स्वामद, स्वाद के साथ, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, स्वामद बेनियाज। सीन से पढ़े समद, गाना गाना, अब स्वामद समद, स्वामद समद में कितना फ़र्क हो गया, बड़ा फ़र्क हो जाता है। स्वामद स्वाद के साथ, समाद खाद को कहते हैं जो ज़मीन में डालते हैं, समाद। सीन के साथ पढ़े समाद, इसके माने शेर। स्वाद के सामने खाद, सीन के साथ पढ़ाइए समर फल, सा के साथ पढ़ा, सीन के साथ पढ़ा समर। रात को गपशप लगाना या पी कर का दरख्त, अब देख लो माने में कितना फ़र्क हो गया। अल्लाह ताला हमें सही कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दे, इतना आदमी सही कर ले कि माना ना बदल जाए। ता पा,
सीन सौद, इसी तरह वा वा जा, इसका फ़र्क क्या होगा? इसलिए अपने हाँ पे कारी साहब वो ज़्यादा नहीं, आदमी 15 मिनट भी रोज़ाना देता रहे तो एक न एक दिन इंशाअल्लाह कुरान सही हो जाएगा। अल्लाह का कुरान सही करके मरे इनाम अजीम है। अल्लाह का कुरान ही ना आया इससे बड़ी गम की क्या बात है। रमज़ान शरीफ में भी इरादा कर लें, जिसकी हिम्मत है कुरान सही है 7 सिपारे, ये हिम्मत नहीं तो 3 सिपारे, या हम इतने ही गए गुजरे हैं तो 1 सिपारा तो रोज हो जाए। 1 सिपारा भी ना पढ़ें तो दिल वीरान हो जाएगा। ये कुरान करीम अल्लाह पाक शौक़ से पढ़ने वाला बन। हम ये किरात पढ़ते हैं इमाम आसिम की, बड़ी गज़ब का अल्लाह ने लहजा दिया था, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब दुनिया सुनती थी इमाम आसिम की किरात। जब फौत हुए 24,000 मरतबा फरमाया मैंने कुरान पढ़ा, 24,000 ख़त्म किए या 25,000 फरमाए, 24,000 कुरान के ख़त्म। हज़रत अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे, कहा मैंने 4,000 कुरान के ख़त्म किए। बाद बुजुर्ग थे, फरमाया जितनी हमारी मकान की ईंटें हैं इतने 1,000 मरतबा हमने कुरान पढ़ा। कुरान करीम हमारी बेटियां भी पढ़े, बीवियां भी पढ़े, बहनें भी पढ़े, बेटे भी पढ़े। सुबह के टाइम मुसलमान का शगफ यही था कि रमज़ान शरीफ आ गया है, इसमें तो ज़रूर इसका एहतमाम करें। सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहान का, मशरक़ से लेकर मगरब, शुमाल से लेकर जनूब, तहत सरा से लेकर आसमान, ये एक जहान है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं ऐसे अल्लाह ने 40,000 जहान बनाए। इमाम मुकातिल इमाम तफसीर कहते हैं ऐसे अल्लाह ने 80,000 जहान बनाए। सबकी तरबियत कर रहा है, कोई चीज़ उस अल्लाह की ज़ात से ओझल नहीं, सारे कमालात उसी के हैं, उसकी रहमत बेपाया है, उसी की रहमत ही के सदके हम जी रहे हैं। रोदे जदा का मालिक है, मरना है हमने अल्लाह की बारगाह में, वह हिसाब किताब होगा। अल्लाह के लिए इबादत करनी है, अल्लाह ही से मदद मांगनी, अल्लाह ही की से इबादत करनी, मदद उसी से मांगना। अल्लाह सीधे रास्ते पर चल, सीधा रास्ता जो मन हानि ना हो, सीधा रास्ता जो मन जले मकसूद तक पहुँचाए, जिस पर सारे नबी चले उस रास्ते पर चला। या अल्लाह मखज़ूब और ज़ालीम के रास्ते पर न चला, यानी यहूद और नसारा जो गुमराह हो गए। आखिर में हम पढ़ते हैं आमीन, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर। ये लफ्ज़ भी इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिला। जैसे परेशानी में हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इसी उम्मत को मिला, पिछली उम्मतों को ये लफ्ज़ नहीं मिला। ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिला। नमाज में रकू करना इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को रकू नहीं था। इशा की नमाज इसी उम्मत को मिली है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। अजान और तकबीर इसी उम्मत को मिली है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। माल गनीमत का हलाल होना इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिला। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की नमाज इसी उम्मत को मिली है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। ढीले के साथ इस्तिंजा करना इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिला। पानी ना मिले तयम्मम कर लेना इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। मस्जिद नहीं है जहाँ जगह पाक है नमाज पढ़ ले, इसी उम्मत को मिला है, पिछली उम्मतों को नहीं मिली। तो आमीन भी अल्लाह ने इसी उम्मत को दी। आगे सूरत बकरा है,
शुरू में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया, किताबुल्लाह ये शक व शुबा से पाक है। फिर थोड़ा सा अल्लाह ने जिक्र काफरों का किया, फिर आधा पाव तक अल्लाह ने मुनाफिकीन का जिक्र किया। बकरा इसमें जिन्स है, इधर देखें, नींद आ रही है। बकरा इसमें जिन्स है, थोड़ी चीज़ ज़्यादी चीज़, मुदक्कर मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है। बकरा गाय को भी कहते हैं, बैल को भी कहते हैं। वाकया एक आ रहा है इसी में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाद मुफस्सरीन ने लिखा, एक शख्स अपने चचे की लड़की पर आशिक था और चचे को मारकर उसके साथ कब्ज़ा करना चाहता था। बादों ने कहा कि चचे के पास माल बहुत था कि मैं मारूं और सारे सोना चांदी और पैसे हथिया दूं, तो चचे को मार दिया। मार कर रात के टाइम अपनी बस्ती की बजाय दूसरी बस्ती में डाल आया उसके साथ। अगले दिन मगरमच्छ के आंसू बहाए कि मेरे चचे को किसी ने मार डाला। बड़ा शोर मचाया, रोया धोया, परेशानी हुई। बनी इसराइल ने कातिल मिल नहीं रहा, क्या करें। जब बहुत परेशानी हुई तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के बरगुजीदा नबी, अल्लाह से कह दे, बता दे कातिल कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, गाय ज़िबा करो। फिर गाय का एक उज्व जो है, चाहे दुम है, चाहे जिगर है, दिल है, इस मुर्दे को लगा देना, मुर्दा उठ बैठेगा, तुम्हें बता देगा कातिल कौन। तो अब काम आसान था, कोई गाय ज़िबा कर देते। कहने लगे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। फरमाया, ना फारिज हो, ना बिक्र, ना जवान, ना बूढ़ी, अवान उम बैन ज़ालिक, दरमियानी, और रंग कैसा हो। फिर कहने लगे, अल्लाह ने फरमाया, फाके उन लौनुहा, उसका रंग चोखा जर्द होना चाहिए खूब, तसुर्रुन नादरीन, देखने वालों को अच्छा लगे। कहने लगे, अभी बात पूरी नहीं, वादे हो रही, अल्लाह मियाँ कोई ऐसी है इसकी फरमाए। फरमाया, ना हल चलाया हो, ना पानी पर चलाओ। पहले ज़माने में कुएं पर बैल चलते थे, ये चलाओ। अब रंग भी आ गया, उम्र भी आ गया, मिलती नहीं। अब इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, गाय नहीं मिलती। अब भाई तुमने मांगा है तो अब जल्दी करो, तलाश करो, गाय मिल जाए, बछड़ा मिल जाए, बैल मिल जाए। तलाश करते 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 नहीं मिल रहा। एक नेक आदमी फौत हुआ, दुआ मांग गया था, या अल्लाह मेरा ये एक बेटा है, मेरे मौला मेरी औलाद का ख्याल करना, अल्लाह नेकू का वली वारिस है। गाय ने बच्चा दिया था, वो बछड़ा माशाल्लाह ना कुएं पर चला, ना हल पर चला, ना बच्चा ना बूढ़ा, रंग उसका और ठीक, मुंह नीचे, टांगे सब जगह जर्द जर्द जर्द, ना कहीं सफ़ेद ना काला, दम सारी जर्द, एक ही जगह मिला। फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में कि बनी इसराइल खड़े फंसे, इसलिए तकड़ा हो जा तो अब मुंह मांगी कीमत लेना। वो आया, उन्होंने कहा बेचो। उन्होंने कहा हमारा तो नहीं बेचते नहीं है, हमारा तो यही तरका है, गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहा नहीं, जितनी कीमत लेनी है ले दो। कीमतें देते रहे देते रहे। तो उसने कहा मैं लूँगा 10,000 किंथार, गाय का चमड़ा बैल का काट कर रख दो, फिर जितना सोने से भर जाए इतनी गठड़ी। अब ये चौंक उठे, इन्होंने कहा हम नहीं करते तो अजाब आएगा। फिर सब ने इकट्ठा किया, बनी इसराइल ने 7,50,000 कौम थी। अब अल्लाह ने उस गरीब का काम कर दिया, वो नेक आदमी था, अल्लाह ने जो फौत हो गया था उस बच्चे के लिए अल्लाह ने सारी नस्ल के लिए गैबी रिज का इंतजाम कर दिया। अब ये वो बछड़ा लाए, ज़िबा किया, इसका उज़ उस मैयत के साथ लगाया, मैयत उठ बैठा, उसका नाम था आमील।
उसने कहा मेरे भतीजे ने मुझे मारा और जो मगरमच्छ का चुबारा था। अल्लाह ने बता दिया जैसे आरसी तौर पर मैंने जिंदा किया, ऐसे क़यामत के दिन मुस्तकिल तुम्हें जिंदा करूँगा। ये अल्लाह ने सूरत बकरा है, इसी वजह से इसका किस्सा रहा था, इसलिए सूरत का नाम सूरत बकरा है। 500 के करीब इसमें अल्लाह के अहकामात हैं। हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरे। इसी सूरत में मुनाफिकीन के ज़िक्र के बाद अल्लाह ने यह फरमाया, ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है, मेरा चैलेंज है तुम इस जैसी एक सूरत बना कर दिखाओ। जो कहते हैं ये मोहम्मद की बनाई हुई कलाम है, बना कर दिखाओ। आगे अल्लाह ने इल्म आदम को बयान किया। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ज़रूरत ही क्या थी आदम के पैदा करने की। अल्लाह ने सारी चीज़ों का इल्म नाम बताए, फरिश्ते भी सुन रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह ने इम्तिहान लिया, फरिश्ते से पूछा बताओ नाम। फरिश्तों को नाम कहाँ से आए? क्योंकि जिस आदमी की मुनासिबत ना हो किसी चीज़ से तो वो उसका नाम ही नहीं जानता। अब डॉक्टरी के आलात डॉक्टर जानेगा, इंजीनियर के आलात इंजीनियर जानेगा, काश्तकारी के आलात काश्तकार जानेगा। फरिश्तों ने कौन सी रोटी खानी थी, हल चलाने थे, उनकी ट्रैक्टर थी, उनके प्याले थे, ये चीज़ें थी, ये हंडिया है, ये फलां चीज़ है, ये मर्चे हैं, ये नमक है, ये चीज़ें हैं। फरिश्तों ने सुना, गायब हो गया, ज़रूरत जो नहीं थी। अब आदम से पूछा, आदम ने जिस चीज़ का नाम भी अल्लाह ने पूछा फर 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 सुनाए। वो कहना अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं, इलम तो आदम के पास है। अल्लाह ने फरमाया मैंने कहा नहीं था तुम्हें, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, इसलिए मैंने इसे खलीफा बनाया। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसके सामने तहियत सजदाए सलामी करो। सजदा इबादत नहीं, इबादत का सजदा नहीं, बल्कि सलामी का सजदा। इबादत का सजदा कुफर है, सलामी का सजदा पिछली उम्मतों में जायज़ था। तो फरिश्तों ने सजदा किया, जिन को भी साथ हुक्म दिया था इबलीस को। ज़रा एक बात मैं यहाँ बता दूँ, जो पहला जिन था इबलीस वो नहीं है, बल्कि जिन्नात में कमीना जिन पैदा हो उसका नाम है इबलीस। जैसे औलाद आदम में निमरूद कमीना था, फिरौन कमीना था, इस तरह इबलीस का नाम अजाज़ील है, ये अजाज़ील कमीना था। इसलिए ये जो था अकड़ गया, इसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मर्दूद करार दिया। जिन्नात में बादों की उम्र 5 साल, बादों की 1000 साल, बादों की 1200 साल, बादों की 200 साल, लेकिन इस इबलीस की उम्र अल्लाह ने क़यामत तक रखी, उम्र रख दी अल्लाह ने। और अल्लाह ने इसे तसर्रुफ़ दे दिया, गुमराह तो हो गया, लेकिन इसने कसम खाई मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। इसलिए फरमाया अंदर से फिटा हुआ था, मालिक का नाफरमान था, अंदर किब्र था, तकब्बुर था, इसलिए अल्लाह की बात इसने नहीं मानी, इसलिए अल्लाह की तरफ से ये मलऊन करार दिया गया। आगे रब्बुल आलमीन ने हक तआला शानहू ने जो है बनी इसराइल पर जो अल्लाह के इनामात हुए, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, इसकी ये औलाद हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने फिरौनियों से आज़ादी दिलाई और फिरौन जो है बुहरा कुल्दम में गर्क हुआ, अपनी 12 लाख फौज समेत ये मैदान तीह में आए। अल्लाह ने गैबी रोज़ी दी जिसे मन सलवा कहते, शानदार किस्म की, जैसे शहद होती है ऐसे मीठा, और बटेर नुमा परिंदे ये अल्लाह ने दिए। पत्थर था उस पर मारते थे लाठी और उससे 12 चश्मे पानी के फूटते थे। रात के टाइम एक ऊंचा रीडार, वहाँ से रोशनी होती 60-70 मील तक सहराए सीना के अंदर। बादल आ जाते दिन के धूप के टाइम, इनकी हिफाजत करते। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया मैंने इन पर ये इनाम किया, इनकी दो नाशुक्रियाँ सुनो। एक ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
जब बारीन से जिहाद करना है, जब दरवाजे से जाना, हित्ततुन कहना हमें बख्श दे। तो ये वैसे ही ने इन्होंने कहा हित्ततुन कि हमें गंदम दे दे, और बजाय वहाँ पहले जाने के इनकार किया अक्सर ने कि हम इसके लिए तैयार नहीं। तो रब्बुल आलमीन ने सजा दी, ये 40 साल मैदान तीह में फिरते रहे, सुबह चलते शाम हो जाती, शाम के टाइम फिर वही खड़े हैं अल्लाह के अदाब में आए। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम दो नबी अंदर थे, इसलिए खाने आला उतरते थे, खाते खाते फिर तबीयतें ख़राब होने लगी, कहने लगे अल्लाह ककड़ियाँ खिला, प्याज खिला, ऐ अल्लाह जो है लहसुन खिला हमें, और इसी तरह हमें खीरे हैं, ककड़ी है, ये दे दाल हमें खिला। अल्लाह ने फरमाया देख लो शाही खुराक छोड़कर आम को ये खुराक लेते हो, तो फिर ठीक है हल चलाओ, पर यह खुराक तुम्हें मिलेगी। फरमाया इन्होंने आला खुराक को छोड़ा, फिर जिल्लत की खुराक में आए। बुहीरा कुलदम पार होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हेपूर पर गए, वहाँ रब्बुल आलमीन ने किताब तौरात दी। अब पहले नबी थे, अब मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी बन गए, क्योंकि अब अल्लाह ने रिसालत दे दी, नई शरीयत दे दी। कौम के पीछे लोग थे, उन्होंने कुछ सोना था, वो सामरी ने इकट्ठा करके बछड़ा बना दिया, उसके अंदर से हू हू की आवाज़ निकलती थी, वो जिब्रील के पाँव से मट्टी लेकर इसके अंदर डाला, तो बहुत से लोग इस बछड़े की पूजा करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अगले सिपारों में फिर आएगा तफसील से। मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर अपने भाई का सर पकड़ा, घसीटा, उन्होंने कहा मैंने इन्हें समझाया है, ये समझते नहीं थे। फरमाया इन्होंने कहा हम तौबा करते, यहूद को यहूद क्यों कहते हैं? बात कहते हैं इसलिए कि इन्होंने कहा हुदना, हमने तौबा की। बात कहते हैं यहूद को यहूद इसलिए कहते हैं, इनका याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था। बात कहते हैं तहव्वुद के माने यूँ हरकत करना, ये तौरात पढ़ते हुए हरकत करते थे, इसी वजह से इन्हें यहूद कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौबा ये है, जिसने देखा करीबी रिश्तेदार को, मामू ने भांजे को देखा, भतीजे ने चच्चे को देखा कि ये बछड़े की पूजा कर रहे थे, ये चुप बैठे रहे, ये अपने करीबी रिश्तेदारों की गर्दन काटे, क्योंकि तौबा इसके बगैर नहीं थी। 70,000 आदमियों की गर्दन कटी, फिर लहू बहा, और अल्लाह के सामने मूसा अलैहिस्सलाम भी गिड़गिड़ाए, आए मेरे मौला अब इनकी तौबा कबूल कर। अल्लाह ने फरमाया ये जो कत्ल हो गए हैं ये तायब होकर कत्ल, इतनी सख्त तौबा थी। बनी इसराइल के अहकाम बड़े सख्त, बनी इसराइल पर कपड़े पर गंदगी लगती, कपड़ा काटो, हर जगह इबादत नहीं कर सकते थे, मस्जिद में ज़कात में 4 रुपये पर ज़कात थी, 400 में 100 रुपये, बनी इसराइल जहाँ चर्बी इकट्ठी होती है नहीं खा सकते थे। अल्लाह ने सख्त अहकाम दिए बनी इसराइल पर, इसलिए यहाँ भी रब्बुल आलमीन की तरफ से इन पर ये सारी सरदनेश हुई और ये गर्दनें इनकी कटी। तो इसका जिक्र किया है। आगे अल्लाह ने नसारा का जिक्र किया, नसारा ये नासरा बस्ती के रहने वाले थे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और नसारा नसरानी की जमा भी है मददगार। इनमें जो हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार थे, अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया इस जगह। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें इम्तिहानात में डाला, और लेकिन वो सारे इम्तिहानात में पार हुए, बादशाह के इम्तिहान से, वालदैन के इम्तिहान से, जेल के इम्तिहान से, फिर जला वतन हुए, आग में डाले गए, फिर लंबा सफ़र किया, फिर बैतुल मुकद्दस से इधर अपनी बीवी को लखदक मैदान में छोड़ा, हजरत हाजरा को, या अल्लाह ने बैतुल्लाह के बनाने का हुक्म दिया। बैतुल्लाह पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर गिर गया, बाद में नबियों ने शीस अलैहिस्सलाम ने बनाया,
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नीचे बुनियादें हैं फरिश्तों की रखी हुई, पांच पहाड़ों से पत्थर लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 110 साल थी, बेटे की उम्र 20 साल थी इस्माइल की, रद्दे रखते गए, बैतुल्ला बना, एक महीने में ये बैतुल्ला बना दिया। और इसके दरवाजे नीचे दो तरफ से थे, और अल्लाह ने कहा खड़े होकर आवाज़ लगाएं कि हज के लिए आओ। अल्लाह ने मशरक मगरब शुमाल जनूब में और हत्ता के जो बच्चे माओं के पेटों में थे और जो आलम अरवाह में रूहें थीं, अल्लाह ने वो सब आवाज़ पहुँचाई। तो ये बैतुल्ला बनाया इन्हीं की वजह से, और उसके अंदर अल्लाह ने इनामात की बारिश की। तजल्लियात इलाही का मरकज़ बैतुल्ला बनाया, उसी का अल्लाह ने ज़िक्र किया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जो मिल्लत इब्राहीमी से एराज़ करे, फरमाया वो समझदार नहीं पागल आदमी है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, पागल और दिमाग ख़राब है। यहूद जो है ये तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है, ये तो बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले थे। फरमाया ना इब्राहीम यहूदी हैं ना नसरानी, वो तो हनीफ थे, सबसे कट कर अल्लाह के बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी औलाद में नबी पैदा करना और एक ऐसी उम्मत पैदा करना जो मेरी तरह कुर्बानी देने वाली हो, ये उम्मत महमदिया है, उनमें अजीम और शान नबी पैदा करना। ये हम दुआ हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और ईसा इब्ने मरियम की खुशखबरी हैं। ये सारी उम्मत ये मिल्लत इब्राहीमी पर चलने वाली। आगे याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जब मरने लगे बेटों से कहा तौहीद पर जमना, दीन को ना छोड़ना। हमें नसीहत की औलाद को जमाओ दीन पर, जमाएंगे आप भी बोलो, औलाद को जमाओ, वसीयत करो तौहीद पर मरना है, कुरान को सीने से लगाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, रेदा रेदा हो जाना। जैसे पाक नबी ने फरमाया कोई तुम्हें जला डाले, फांसी चढ़ा डाले, तुम्हें भून डाले, शिर्क न करना, शिर्क न करना, शिर्क न करो। सहाबा ने कर कर दिखाया, सहाबा की औरतों के दो टुकड़े कर दिए गए, इस तरह हबीब बिन जैद के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन अल्लाह के दीन से नहीं हटे। वीर मोहना में 70 के टुकड़े कर दिए गए, ओहद में 70 के टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह का पैगाम मशरक मगरब में पहुंचाया। 3 साल नबी पाक कैद में रहे, पत्ते खाते रहे, सहाबा कराम ने दरख्तों के पत्ते खाए, इम्तिहानात उन पर आए, रस्सियों से बांधे गए, चमड़े उतारे गए, लेकिन दीन पर जमे अल्लाह ने सहाबा का क़्यामत तक नाम बुलंद किया। हमें भी कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अपनी औलादों को तौहीद पर जमाना। आखिर में फरमाया यहूदियों के बच्चे पैदा होते थे नसारा के, पानी में गोता देते थे कि नसरानियत का रंग चढ़ गया। अल्लाह ने फरमाया ये रंग कोई काम के नहीं, ये लाल पीले रंग कोई चीज नहीं, दीन का रंग चढ़ाओ दीन का। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, बेहतरीन रंग दीन का रंग है। फरमाया ईमान लाओ सहाबा जैसा ईमान, हिदायत पा जाओगे, मोहम्मद के सहाबा की राह पर चलो। और अल्लाह ने फरमाया पिछली उम्मतें गुजर गई, अब अल्लाह तुम्हारा रिकॉर्ड देख रहा है। आगे दूसरा सिपारा है, दूसरे सिपारे के शुरू में बैतुल्लाह के बारे में आया है। ये अल्लाह का घर जो बैतुल्लाह है, ये तजल्लियात इलाही का मरकज़ बैतुल्लाह, ये बाकी ज़मीन से 2000 साल पहले बनाया गया। इसका ताल्लुक आसमान दुनिया के बैतुल इज़्ज़त से है, फिर दरमियान में हर आसमान वाले फरिश्ते उसके मुहादात में, फिर सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, फिर इसका ताल्लुक अल्लाह के अर्श से है। इसी तरह बैतुल्लाह का ताल्लुक सातों ज़मीन नीचे तक है। ये बैतुल्लाह है, अल्लाह के नबी हिजरत करके आए, हुक्म हो गया कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। 16 या 17 महीने उधर मुंह किया, फिर नमाज में हुक्म आ गया मस्जिद क़िबलतैन में 2 रकातें मशरक की तरफ मुंह करके और 2 रकातें बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। और पहले साथियों ने हज किया होगा, जगह देखी होगी। फरमाया अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता था, अल्लाह तो हर तरफ मौजूद हैं,
तजल्लियात का मरकज अब क़यामत तक अल्लाह ने बैतुल्लाह बनाया है, कौन अल्लाह की मानता है कौन नहीं मानता। इसलिए इम्तिहान लेना था कि अमरे इलाही पर कौन चलता है। वो कहने लगे नसारा यहूद, मुसलमानों का अपने बैतुल्लाह में तरद्दुद है। अल्लाह ने कहा कोई तरद्दुद नहीं, मेरे अमर पर ये जान देने वाले, जिधर मैं कहूँगा उधर ये मुँह करने वाले हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि जब परेशानी आ जाए, परेशानी में नमाज के ज़रिए सब्र के लिए दो हथियार हैं, नमाज पढ़ो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। सब्र में अल्लाह का हुक्म न छोड़ना। अल्लाह तुम्हारा दुनिया में इम्तिहान लेंगे, कभी औलाद में, कभी खेतियों में, कभी दुकानों में, कभी बीमारियाँ आएंगी, कभी इस किस्म के हालात आएंगे। जो जम गया उन पर रहमतें बरसेंगी, उन रहमतें सलवात कहते हैं, ऐसी रहमतें जो नबियों पर बरसती थी उस किस्म की रहमतें ईमान वालों पर बरसेंगी। इसलिए जब उन पर मुसीबत आती है वो घबराते नहीं, वो पहाड़ बनकर इन मसाइब को बर्दाश्त करते हैं। इसलिए हमें हुक्म दिया मसाइब में इसको बर्दाश्त करना। हालात रोली की तलकीन की, नबी हलाल रोली खाते थे। आज सुबह भी हम दर्स में कह रहे थे अल्लाह ने हर नबी से कुछ काम कराए। आदम अलैहिस्सलाम आए जन्नत से, गर्मी लगी और दरख्तों के पत्ते चिमटा कर आए, लेकिन वहाँ से ऊन लाए, अम्मा हव्वा ने काटी और फिर गंदम के दाने लाए, वो बोए, तो अल्लाह ने ज़रात का काम इनसे लिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम इनसे कपड़े का काम दिया, कपड़ा पहले सिलाई कराया और इन्होंने कहा कपड़ा सिया कैसे जाता है, वदन के लिए बाट बनाए, दुश्मन से लड़ाई के लिए काबिल की फौजों से हथियार बनाए, ये काम लिखाई पढ़ाई का काम ये इदरीस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने लिया, नूह अलैहिस्सलाम से, ज़करिया अलैहिस्सलाम से नज्जारी का काम लिया, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाता था, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके हाथ में वो टोकरियाँ बनाते थे बेचते थे। एक नबी भी ऐसा नहीं आया जिसने बकरियाँ ना चराई हों, क्योंकि आगे इन्होंने इंसानों को चराना था। इसलिए कहा हलाल रोगी का इस्तेमाल करो, हलाल रोगी से पाक लहू आएगा और हराम रोगी के साथ औलादें नेक बनेगी। अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम किया लहू को, जानवर दिबा करते हैं ये लहू नापाक है, लोग लहू ले जाते हैं और ये लहू जो है दीवारों में डालते, हिंदू डालते थे। बाद जो है लहू जो है अपना जो होता है ना ये ट्रक ट्राला, ट्राले के व्हील के सामने जानवर ज़िबा करते, क्यों कि मुसीबत नहीं आएगी, ये पागलपना है। दो रकात नमाज पढ़ लो, सदका करो, देना है। सदका सिर्फ काला बकरा नहीं होता, सदके के माने हैं खैरात देना। फ़कीर को दाल की ज़रूरत है दाल दे दो, फ़कीर को कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा दे दो, फ़कीर को दवाई की ज़रूरत है दवाई दे दो। और जब आप ट्राले में बैठे हराम काम ना करें और वो दुआएं पढ़ लें, अल्लाह ट्राला बचाएगा। तो ये बकरा ज़िबा करने से, काला बकरा ज़िबा करने से हाथ से ख़त्म नहीं होते, हाथ से ख़त्म होते हैं नेक आमाल से, नेक आमाल से। फरमाया अल्लाह ने इसी तरह मुर्दार जानवर को हराम किया। काफिर लोग कहते थे जो अल्लाह का मारा हुआ है नहीं खाते, इसी तरह खिंजीर के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ने हराम किया। हत्ता के तौरात में भी हराम है और इंजील में भी हराम है, किसी मिल्लत में भी जायज़ नहीं। यहूदी खा रहे हैं, नसरानी भी खा रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने हर मिल्लत में खिंजीर हराम किया। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये सलीब का निशान है कि ईसा को फांसी दे देगी, वो कहेंगे तोड़ दो, जहाँ भी खिंजीर मिले मार डालो, मेरे मिल्लत में कभी भी खिंजीर हलाल नहीं था। गैर अल्लाह के नाम पर जानवर नामजद करना, मिठाइयाँ नामजद करना, कपड़े गैर अल्लाह के नाम पर नामजद करना, जानवर छोड़ देना, गाय गैर अल्लाह के नाम पर छोड़ देना, ये फला के नाम पर है, ये भी फरमाया जैसे खिंजीर हराम ऐसे ये भी हराम, गैर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ें की जाए। हाँ मजबूरी आई, सफ़र का मौका है, अब वहाँ पर नाजायज़ खुराक मिली
यह शराब है पानी नहीं है। फरमाया इतने कतरे ले लो या इतना खाना ले लो जान बच जाए, इतना कर लो जान बच जाए। दरमियान में अल्लाह ने उन लोगों के बारे में भी फरमाया जो लोग अल्लाह के अहकाम छुपाएं, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारी कायनात की लानत। एक हदीस में आया है इदा ज़हरा फी उम्मती अल-बिदा, जब मेरी उम्मत में बिदअतें ज़ाहिर हो जाएं, आलिम को चाहिए अपना इलम ज़ाहिर करे, वरना ऐसे कमीने आलम पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारी कायनात की लानत, जो लोगों के रवैये पर बह जाए। आलिम तो वो है जो सच्ची बात बताए, किसी के मनसब से, किसी के पैसे से असर ना ले। जैसे कहते हैं वो गए पूछ रहे हैं कि मैंने बीवी को तलाक दे दी, तलाक दे दिए तीन, तो हराम हो गई। उसने नीचे 5,000 का नोट रख दिया। अच्छा, उसने कहा तलाक नहीं दियोगे ना तोय वाली, ये ता के साथ दियोगे, ता अलिफ्ता अलिफ्ता, तो इसके साथ है, अब हलाल बन गए। तो ये उलमाए सू होते हैं जो पैसे पर बिक जाएं, ओहदे पर बिक जाएं, जिधर की हवा इब्न अल वक्त हैं, अल्लाह सच्चे उलमा का दामन पकड़ने वाला बनाए। कुरान करीम जो कारी साहब ने पढ़ा, हमने सुना, अल्लाह जाने बैन से कबूल करें। सहरी का टाइम बड़ा कबूलियत का टाइम है, इफ्तारी का टाइम बड़ा कबूलियत का टाइम है, रातें रमज़ान के दिनों से ज़्यादा कीमती हैं। अल्लाह हमें कामिल ताइब बनाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। اے اللہ جو ہم نے قرآن کریم سنا اپنی بارگاہ میں قبول کر, اے اللہ سننے میں یا پڑھنے میں تیری منشا کے خلاف کچھ ہو گیا اسے معاف کر دے۔ اے اللہ اس میں پڑھنے کے دوران ہمارا خیال ادھر ادھر چلا گیا, ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہ پہلی تراویح ہے اور یہ پہلا روزہ ہے, اے اللہ اے ارحم الراحمین اپنی رضا شامل کرنا اور صحت بھی دینا, عافیت بھی دینا, سحری افطاری میں مانگنے والا بھی بنانا۔ ہمارے گھروں میں بیوی بچے بیٹیاں بیٹے سب میں شوق پیدا کر دے۔ یہ مہینہ ہم تلاوت کا مہینہ بنا لیں, یہ مہینہ رونے کا مہینہ, یہ مہینہ گڑ گڑانے کا مہینہ, تیری رحمت کے دامن کو پکڑنے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس پر ہمیں جمنے والا بنا, صحت بھی دے, عافیت بھی دے, لاک ڈاؤن کو دفع فرما, ہوا میں اڑا دے, کرونے بھی ہوا میں اڑا دے۔ یا اللہ ساری امت پر رحم فرما, ہمیں بھی ساری امت کو رمضان کا قدردان بنا, رمضان کا پاس رکھنے والا بنا۔ آئے رب ہماری پہلی تراویح قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔